हेलो एवरीवन, अब हम चलते हैं डायरेक्ट 7 साल बाद लीव के बाद। सई अब कंपनी को हैंडल करती है और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुकी है, साथ में कितनी खूबसूरत भी बन चुकी है। यहाँ पर वो एक बच्चे से मिलती है और यहाँ पर वो बच्चा अपने पापा के नाम का लैंटर्न ऐसे बाल के छोड़ता था और यहाँ पर वो पूछता है कि आप भी किसी को मिस करती हो ना, तो ऐसे लैंटर्न बाल के छोड़ सकते हो, उनको उन तक आपकी सारी बातें पहुंच जाएगी। और यहाँ पर सही बोलती कि मुझे ये भी पता नहीं वो कैसा है, क्या कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सई इस आइलैंड पे इस वजह से आई हुई थी क्योंकि उसे एक आइलैंड ख़रीदना था और इसके ओनर से मिलना था, लेकिन रास्ते पे जाते टाइम उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिस बात की वजह से सई थोड़ा आगे आती है। एक गैरेज में एक लड़का ऐसे बाइक बना रहा होता है तो उसका फेस दिख नहीं रहा था। सई उसे बोलती कि क्या तुम इस आइलैंड के ओनर को जानते हो, और वो लड़का जब ऐसे उसे देखता है तो उसकी आँखें तो चौंकनी रह जाती है। क्योंकि ये जो लड़का था वो बिल्कुल क्लार्क की तरह देख रहा होता है। और यहाँ पर सई फटाक से वहाँ से जाने लगती है, बोलती कि आई एम सॉरी, और उसके बाद वो बोलते कि क्या चाहिए। सई बोलते कि क्या हम मिले क्या, वो बोलता है नहीं। यहाँ पर सई बोलती कि दुनिया कितनी छोटी है ना, मुझे लगा तुम वो हो जो मैं जानती हूँ जिसको। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे कि कोई भूत देख लिया। और उसके बाद वो पूछती है कि तुम इस आइलैंड के ओनर को जानते हो, वो बोलता है कि हाँ। तो उसके बाद वो उसे पैसे देकर बोलती है कि तुम वहाँ तक मुझे ले जा सकते हो, और वो उसके पैसों को देखता है। एंड दिखाया जाता है बाइक पे वो लड़का, अब तक इसका नाम नहीं रखते, यहाँ पर वो जा रहा होता है। और सई को क्लार्क के साथ की मूवमेंट याद आ रही थी, वो जो लड़का था उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर ओनर रहता था, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि ओनर अभी यहाँ पर नहीं है। सई पूछती है कि ओनर कहाँ पर गया है तुम्हें पता है क्या। क्ला बोलता है कि तुम वेट करो ना, तुम उसके लिए आई हो उसी काम के लिए, तो वेट नहीं कर सकती, ऐसा बोल देता है। और उसके बाद जो क्ला था वहाँ ये जो लड़का था वहाँ से चला जाता है। सही जब वो पीछे जा रहा था ना तो उसे देखते ही रह गई थी क्योंकि उसे बार बार क्ला ही याद आ रहा होता है। सो यहाँ पर वो लीता को कॉल करके बोलती इसके बारे में, लेकिन अब लीता भी श्योर नहीं थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लड़का था वो बोलता है कि आपकी मैडम हेलीकॉप्टर से जाना चाहती है तो आप चले जाइए, उसके ड्राइवर को ऐसा बोल देता है। हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद सई उठती है, लेकिन अब तक वो आया नहीं था। और यहाँ पर जो लड़का था वो आया हुआ था और वो बोलता है कि तुम्हारा ड्राइवर वेट कर रहा है, चलो मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। सई थोड़ा डर जाती है और वो बोलती कि नहीं मैं खुद ही चली जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर वो जो लड़का था वो उसे पोस्ट नहीं कर पाता। और उसके बाद सई आती है और उसके जो ड्राइविंग वाले सीट है ना वहाँ पर बैठ जाती है और जो लड़का था वो वहाँ से निकल जाता है। तो हमें दिखाया जाता है जब सई उस गाड़ी में चढ़ के उधर चली जाती है ना, तो ये जो लड़का था बहुत वाइल्ड सी स्माइल देता है, लाइक होता है ना कुछ है, और वो अपने घर पे चला जाता है। ये लड़का, इस लड़के का घर बहुत आलीशान टाइप का था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सई की तो गाड़ी एक्सीडेंट ही हो गई थी, उसके सर पे चोट आया था और यहाँ पर वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट सीन जो लैंटर्न में ना सई ने क्लार्क के बारे में लिख के वो ऐसे उड़ाया था ना, वो इस लड़के के घर पे आ पहुंचा था और वहाँ पर वो लिखा हुआ था कि चाहे जितने भी टाइम हो जाए लेकिन मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाऊँगी, आज भी मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, 7 साल हो गया, लेकिन जो 4 महीने मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं ना वो मेरी लाइफ के सबसे कीमती पल है और मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगी, ऐसा वो बोल रही होती है उस लेटर पर। और यहाँ पर सही अभी एक्सीडेंट के स्पॉट पर ही थी। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर इस लड़के के घर में सई को लिया गया था और यहाँ पर वो बोलता है कि कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। वो फ़ोन मांग रही होती है घर पे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये लड़का बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर फ़ोन नहीं होते। और उसके बाद उसकी फ़ोन पर ऐसे वो जो एक कपड़ा लेके पोंछने लगता है, लेकिन यहाँ पर सई थोड़ी डर जाती है और यहाँ पर वो उसे बहुत इसे देख रही थी क्योंकि यार ये लड़का बिल्कुल क्लार्क की तरह देख रहा था। नेक्स्ट सीन सई के पापा मिस्टर सेन यहाँ पर प्रॉम्प्ट आके बोलता है कि सई फिर से घर नहीं आई पापा, तब यहाँ पर वो उसे देखते हैं पापा नहीं अंकल, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अभी वो बच्ची नहीं है वो आ जाएगी, तुम लोग अगर ढंग से काम नहीं करते ना तो उसे जाना नहीं पड़ता, ऐसा वो बोलते हैं। सो क्ला को दिखाया जाता है वो याद करता है अभी वाले अभी जब सई उसे देखकर डर गई थी
और उसके बाद यहाँ पर सही ना चिल्ला रही थी क्ला प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तो ऊपर जाता है रूम में देखने के लिए, तो यहाँ पर वो रो रही थी चिल्ला रही थी सपने में कि क्ला प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आई एम सॉरी तुमने गलत समझा मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा बोल रही थी। यहाँ पर ये लड़का बोलता है कि तुम्हें लगता है इतना आसान था मेरा लाइफ, सो ये था क्ला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला जब मर गया सोच रहे थे, लेकिन वो बच गया था लकीली। और उसके बाद जो मिस एशिया थी ना, उन्होंने ना उसे उसके बाद सपोर्ट किया था, और यहाँ पर एक किडनी क्ला का उनके बेटे पे लगा था, तो उनका बेटा भी बच गया और यहाँ पर क्ला भी बच गया। और यहाँ पर मिस एशिया ने बोला था कि उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी उसकी उठाएंगी, सो जो हमारा हीरो था उसके बाद मिस एशिया के बड़े से ही यहाँ तक आ पहुँचा था। अभी वो सही को देखता है प्रेजेंट में और बोलता है कि तुम इतनी सी चीज़ की वजह से तुम मरने जाओगे, सही जो मैंने जला है उसके आगे तुम्हारा ये सब तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। और वो उसके आँखों से आंसू आ रहे होते हैं और उसके बाद क्ला वहाँ से बाहर निकल जाता है। सही अपनी आँखें खोलने के बाद नीचे आती है, नीचे फ़ोन बज रहा होता है, फ़ोन में ना कॉल खेम का आ रहा था, तो वो शॉक हो गई थी। वो उस फ़ोन को रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद केम बोला था कि क्ला तुम कहाँ पर हो, फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो, ये सुनने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। ऑब्वियसली ये क्ला था और सही के हाथ से फ़ोन गिर गया। और उसके बाद वो क्ला को ढूंढने लगती है, वो क्ला के पास जाके बोलती कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे बताओ तुम वापस आ गए और मुझे बताया कि उन्हें तुम कहाँ पर थे अब तक, तुम हो कौन, तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा बोल रही होती है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। यहाँ पर सही बोलती कि ड्रामा मत करो, इतना ओवर एक्टिंग मत करो, तुमने ये सब क्यों किया, तो वो बोलता कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, ऐसा वो बोल देता है। वो बोलती कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो, तो वो बोलता कि तुम खुद से पूछो और यहाँ से चली जाओ, ऐसा बोलना था। यहाँ पर वो बोलती कि तुम वापस आ गए लेकिन तुमने बताया कि नहीं, तुम चाहते क्या हो, वो बोलता है कि मैं जो भी चाहता हूँ ना, ये बात याद रखना कि जो भी मेरे साथ हुआ है अब तुम्हारी बारी है और अब ये सब मैं तुमसे लूँगा बदला, अगर तुम यहाँ पर होगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, बहुत गुस्से में बोलता है। यहाँ पर सही ने बहुत इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। सो ये था हमारा क्ला जो बदला लेने के लिए आ चुका है। हमें दिखाया जाता है सही भागते रह जाती है, वो जो उसके पापा के सेक्रेटरी है ना, वो उसे लेने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर वो उनके साथ चली जाती है। यहाँ पर अपने पापा की सेक्रेटरी सैनसेन से बोलती है कि प्लीज़ आप उसके बारे में पता लगाओ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि उसकी ब्रेन डेड होने की वजह से उसने सुसाइड करने के बाद और वो मर गया था, सडनली वो इसे कैसे आ सकता है, वो कहाँ पर था अब तक, ऐसा वो बोल रही थी। और वो सैनसेन ओके बोल देता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है खेम और क्ला एक घर पर आए हुए थे और यहाँ पर क्ला किसी को मिलने के लिए आया हुआ था, ऑब्वियसली एक कोई और नहीं हमारी सस्पिशियस लेडी एशिया थी। और यहाँ पर वो उनके साथ मिलता है, तो हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है जो क्ला है उसने इनके सारे बिजनेस संभाल रखा है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट दिन ये लोग आज हांगकांग में थे और पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि अगर वो क्ला की तरह दिखता है तो क्या वो सच में क्ला है, वो चाहता क्या है तुमसे, ऐसा वो बोल रहे होते लिता। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डाउट में थे क्योंकि कभी पता नहीं चला, इन लोगों ने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया था क्ला को ढूंढने के लिए, लेकिन कभी कुछ पता नहीं चला सडनली क्ला अपीयर हो गया और मतलब हो या वो है या नहीं ये भी पता नहीं था। और यहाँ पर लिता बोलती कि अभी क्ला का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारे लाइफ में जो उसका तो थोड़ा भाव दो, ऐसा वो बोल रही थी, मतलब था इनका। इवेंट स्टार्ट हो जाता है, इवेंट में यहाँ पर सही पहुँच जाती है। इस इवेंट पर एक खूबसूरत सी मॉडल आई हुई थी और ये हमारे ड्रामे की सेकेंड लीड बोल सकते हैं क्लारी, ये एशिया की टॉप सुपर मॉडल थी और उसे उसकी लाइफ की लव के बारे में पूछा जाता है। तभी एक लड़का इंट्री मारता है, अब तक उसका फेस रिवील हुआ नहीं है। हमें दिखाया जाता है सैनसेन कॉल करके बताता है सही को कि वो मरा नहीं था, मतलब उसकी ब्रेन डेड हुआ था तो उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना नहीं, तो इसका मतलब क्ला जिंदा है और हो सकता है उसने बाद में सर्वाइव कर लिया हो, ऐसा वो बोल रहे थे। तो सही बोलती है कि अगर इतना कुछ हो गया था तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया, वो बहुत डाउट में पड़ जाती है। हमें दिखाया जाता है क्लारी मेरे लाइफ में कोई है लेकिन वो ऐसा वो बोल रही होती है एंड मैन इंटर्स
नॉन अदर देन क्लास। यहाँ पर क्ला इसका बोल था, लेकिन यहाँ पर सई जो क्लैरी है उसे काल के इंट्रोड्यूस करवाती है और उसका बॉयफ्रेंड है ऐसा बोल देती है। यहाँ पर जो सई है क्ला को एजियन काल देखती है तो बहुत शौक हो जाती है और उसके बाद गन सई के पास आके बोलता है कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो बोलते कि किसकी बात कर रहे हो। वो बोलता है कि जो क्लैरी और काल है ना ये दोनों कपल है और उसके बाद वो ना उसे आज यहाँ प्रपोज करने के लिए आया हुआ था और वो प्रपोज कर देता है। सही कुछ समझ पा नहीं रही थी तो वो उसे रिंग भी पहना देता है। यहाँ पर क्ला ये सब देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लैरी है ना वो आके सई को कंग्रेचुलेट करती है और बोलती कि पता नहीं मेरी किस्मत में इसे रिंग पाना कब लिखा है। तभी यहाँ पर क्ला बोलता है कि ऐसे मुझे किसी ने कहा था आपके रिंग से ज़्यादा मैटर ना आपका जो प्यार करने वाला है ना वो मैटर करता है ऐसा वो बोलता है। क्लैरी को बोलता है कि फिक्र मत करो तुम्हें रिंग मिल जाएगा। यहाँ पर सई समझ जाती है वो उसकी बात कर रहा है। उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर क्ला ने ना उसे एक फोटो भेजा था जब ये दोनों साथ हैं ना वो वाला मोमेंट का। वो बोलती कि वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए मुझे उससे जाके बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर सही जाती है और बोलती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो तुम वो ये फोटो मुझे क्यों भेज रहे हो। यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम मेरे घर पर फ़ोन छोड़ के गई थी और किसी के घर पर फ़ोन छोड़ के जाओगी तो कोई ना कोई तुम्हारा फायदा तो उठा ही लेगा ना। ऐसे तुम डर रही हो क्या हम दोनों का पास था अगर दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा ऐसा सोच के ऐसा वो बोल रहा था। तभी यहाँ पर सही बोलती है उसे कि कौन सा पास था हम दोनों का कोई पास था ही नहीं तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम मुझे किस बात की वजह से नाराज़ हो ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि वो तुम्हें बाद में पता चलेगा और उसके बाद वो बोलता है कि डरो मत आम दोनों का जो पास है ना मैं इतनी जल्दी सबके सामने रिवील नहीं करूँगा। और उसकी आंखों में आप लोग देख सकती हो कितना ज़्यादा नफरत है कितना ज़्यादा। और यहाँ पर सई को वो पानी में भी गिरा देता है जिस तरह से लास्ट टाइम गिरी थी ना। एंड हमें दिखाया जाता है सई अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी इतना ज़्यादा। सई क्ला के रूम में कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए चली गई होती है लेकिन यहाँ पर क्ला इसी टाइम पे यहाँ पर आ पहुँचता है और वो बोलता है कि ये दूसरी बार है जो तुम मेरे रूम में ऐसे बगैर बताए आ गई मतलब विथआउट परमिशन। तब यहाँ पर सई बोलती है कि तुम चाहती क्या हो आखिर एक बात ज़रूर याद रखना तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो गए ना तो तुम अच्छे नहीं बनोगे तुम्हारी पर्सनैलिटी इससे भी ख़राब हो चुकी है जो क्ला मैं जानती थी ना उससे भी ख़राब। यहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर मैं अभी बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को ना जानू बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद सही ना ऐसे बहुत डर जाती है वो बोलता है कि तुम्हें याद है लास्ट टाइम हम दोनों ड्रंक हो गए थे तो क्या हुआ था। यहाँ पर सही उसे धक्का देती है तभी वो भी गिर जाती है। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि ये देखो कर्मा तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो अभी वही तुम्हारे साथ हो रहा है। और उसके बाद उसके ऊपर ना बियर भी गिर गया था। यहाँ पर होता क्या है ना वो बोलती है कि मुझे पता नहीं किस बात की वजह से तुम इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हो मुझसे मैंने क्या बिगाड़ा है लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना जो भी तुम चाहते हो ना कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्ला के हाथों में ना एक फ्लावर थे जो जिससे सई को एलर्जी थी तो इस बात की वजह से उसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। यहाँ पर क्ला उसे देख रहा था एंड ही वॉज स्टेयरिंग हर सो बैडली। यहाँ पर सई बेहोश हो गई थी जो अब यहाँ पर था और लीता उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। सई कुछ याद कर रही होती है यहाँ पर 2 साल पहले सेम फ्लावर जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई थी और यहाँ पर उस टाइम पे भी उसने शायद क्ला को देखा हुआ था और उसे हेल्प भी मांग रही थी लेकिन उसने हेल्प ना करते हुए वहाँ से चला गया था। सई अभी हॉस्पिटल में उठती है और वो याद करती कि इसका मतलब वो मुझ पर अब तक नज़र रखा हुआ था वो मुझे मारना चाहते है मैंने उसका क्या बिगाड़ा है आखिर वो चाहता क्या है ऐसा वो सोच रही होती है। और हमें ये भी पता चलता है कि सई और अभी था ने ना ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं मतलब सई अकॉर्डिंग टू सई ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब कितना वो बाद में पता चलेगा लेकिन ए यहाँ पर था ना वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है हर इमोशनल मोमेंट पे। अब सबको पता है कि था सई को तो पहले से ही पसंद करता था। नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आ गई थी लीता आती है थाइन को दिखाती है क्या हुआ था ना
क्ला के रूम में सही गई थी ना, वो सही का ही होटल था हांगकांग में। और यहाँ पर क्ला ने जानबूझ के फोटो क्लिक करके अपने वेबसाइट में जिन रिव्यू डाल दिया था होटल का रिव्यू कि यहाँ पर प्राइवेसी इनवेड हो गई है, और इस बात की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही थी इन होटल वालों को, स्पेशली सही की फैमिली को। यहाँ पर वो लोग परेशान थे, इंदर हमें दिखा जाता है सही, सही को भी पता चल चुका था इस बात के बारे में, और वो बोलती कि वो ना हमें जानबूझ के टारगेट कर रहा है, मुझे जाना होगा, ऐसा वो बोलती है। सो अब दामाद एक्स दामाद जी वापस आ गए, तो अब घर वालों को भी पता लगनी थी। सो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। और अभी क्ला जिस बैकग्राउंड के साथ आया हुआ था ना, पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी जिस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, तो ये सुनने के बाद तो सही के पापा का तो मूड ही ख़राब हो गया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश बन चुका था ऑब्वियसली एशिया की वजह से। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर सही दिख रही थी, यहाँ पर क्ला भी देख रहा था होटल के जो रिव्यू था ना यहाँ पर, और केम बोलता है कि जो रिव्यू तुमने लिखा है ना उसको कंपेंसेट करने के लिए उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जब तक चाहे तब तक वहाँ पर फ्री पे रह सकते हैं, ऐसा बोला था केम। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है सही बोलती है कुछ भी मत करो, वो कमेंट को डिलीट मत करो और रिव्यू ऐसे रहने दो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग लिख लो, क्योंकि हमारी होटल के रेपुटेशन की बात है, ऐसा वो बोल रही होती है। यहाँ पर थाइन बोलता कि ओ है कौन, तो यहाँ पर वो बोलती है सही कि नहीं नहीं कोई नहीं है, बस अटेंशन से करे, ऐसा बोल देती है। हमें दिखाया जाता है क्ला और कैम आप सही के होटल में, देखो हांगकांग के होटल में जो हुआ ना उसके कम्पेंसेशन के लिए थाईलैंड वाले होटल में ये लोग रहने वाले थे, मतलब फ्री में। और उसके बाद क्या जाता है यहाँ पर सही सांसन से बात कर रही होती है, और यहाँ पर वो बोलती है कि वो डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहा है, तो इस मोमेंट पे हमें उसकी कोई भी हरकतों पे ना कोई रिएक्ट नहीं करना है, जितना बेस्ट हो सके अच्छा उसको सर्विस देना है, और ताकि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे, क्योंकि रेपुटेशन हमारे होटल की ख़राब हो जाएगी उसकी नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। नेक्स्ट सीन जहाँ पर क्ला के रूम में जो होता है ना डूंडर डिस्टर्ब वाला की गई, और वो नीचे पड़ा हुआ था, और यहाँ पर ना ये लोग कंफ्यूज थे अंदर जाए या फिर नहीं, तो यहाँ पर सही वही कंफर्म करने के लिए कैमरा देखती है। इन्हें यहाँ पर पता चलता है क्ला ने तो जानबूझ के वो कार्ड नीचे फेंका था, तो वो अपने लोगों को बोलती है कि अंदर मत जाओ ट्रैप है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला और उसके एक्स ससुर जी बोल सकते हैं यानी कि सही के पापा को, यहाँ पर सही के पापा बोलते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो, चाहते क्या हो। सही के पापा ये भी पूछते हैं कि तुम लोग मर गए थे ना, यहाँ पर क्ला बोलता है कि इस बार मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ना उन लोगों को मरते हुए देखना चाहता हूँ जिनकी वजह से मुझे पहले इतनी तकलीफ हुई थी। एंड देन यहाँ पर सही आती है लिफ्ट के थ्रू, यहाँ पर सही को देखने के बाद यहाँ पर वो बोलता है लाके मैंने ना लास्ट टाइम जो भी हुआ मेरे साथ उससे ये सिखाया कि इंसान तीन बार मरता है, पहला जब उसकी बॉडी से सोल निकलती है, दूसरा जब वो सांस लेना बंद करता है, और तीसरा जब उसका कोई अपना जिससे वो प्यार करता है ना उनके दिलों से उसका नाम मिट जाता है। तो इस बार ना जो भी है ना सब कुछ मैं वापस लौटाऊँगा तुम लोगों को, तुम लोग ना तरसोगे मरने के लिए, लेकिन मैं ना मरने दूंगा ना तुम लोग को प्रॉपरली जीने दूंगा, ये अब मेरी बारी है, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर क्ला के आँखों में बहुत ज़्यादा नफरत दिख रही थी सही को भी एंड या सही के पापा को भी। यहाँ पर क्ला ये बोलने के बाद लिफ्ट के थ्रू वापस चला जाता है, मतलब नीचे। सही के घर पे तो अलग ही पंगा चल रहा होता है, मतलब अभी भी ये लोग ना ये चीज भूले नहीं है सही को टांट मारना है, मतलब ये लोग बोले होते कि उस टाइम पे तो इतना गरीब था और अभी तो सही के रिश्ते भारी हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी प्रीटी है, अब तो सही उसके आसपास ऐसे पानी कम चाय लगती है, ऐसा वो बोल रहे थे, और इनडायरेक्टली सही की बहुत इंसल्ट कर रहे थे। और आप लोग ये ज़रूर याद रखना कि सही को हमेशा ये लोग एक छोड़ी हुई लड़की बोलते हैं, मतलब एक लड़की ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर नेक्स्ट सीन सही के पापा को पता चलता है कि थाइन ने सही को प्रपोज किया है, तो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर सही जान जाती है कि जो हमारा हीरो है ना क्ला ने उसके होटल में ना तबाही मचा रखी है, अब वो यहाँ का VIP गेस्ट है और इन लोगों ने फ्रीली रहने को दिया था क्योंकि वो रिव्यू की वजह से, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पर जो सही है वो शाम को थाइन के साथ डिनर के लिए गई हुई होती है, और यहाँ पर जो क्ला और क्लैरी वो भी आए हुए थे, और यहाँ पर क्ला और क्लैरी सही को देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, स्पेशली क्ला के कहने पे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर
जो प्रॉम था वो इस मोमेंट पे क्या करता है ना, थाइन यहाँ पर क्ला के रूम में चला जाता है, सही समझ जाती है ये सब ट्रैप है, जाके वो प्रॉम को रोकने की ट्राई कर रही होती कि मत जाओ ये सब ट्रैप है उसका हमें फंसाने का। लेकिन यहाँ पर प्रॉम बोलता है कि मुझे जानना है वो चाहता क्या है, तुम्हें तुमसे हिम्मत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा तुम डरो मत, ऐसा वो बोल देता है। और अपनी बहन की बहुत अच्छे से इंसल्ट करने के बाद वो क्ला के रूम में, क्ला ना होते टाइम ना मतलब क्ला नहीं है ना इस मोमेंट पे, वो चेक करने के लिए चला गया क्या चाहता है वो जानने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये सब क्ला का प्लान था, यहाँ पर क्ला था मार्केट में क्लारी के साथ, वो ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा होता है और यहाँ पर ना उसे मैसेज मिलते कि हमारा जो प्रे है वो रूम पे पहुंच गया। यहाँ पर सई अपने भाई को कॉल करने की ट्राई कर रही थी रूम पे, क्योंकि यहाँ पर जो खेम है ना वो अपने रूम के लिए निकल रहा होता है, वो उसे बताने के लिए कि अरे भाई फंसने वाला है जल्दी से वापस आ, हमारे होटल के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है। लेकिन नहीं, प्रॉम तो प्रॉम डे वो ना उसका फ़ोन रिसीव करता ही नहीं। एंड देन होता वही जो क्ला ने प्लान किया था, खेम अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर प्रॉम था। और अब देखो ये लोग तो यहाँ के गेस्ट हैं ना, फिर से इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, मतलब उनकी प्राइवेसी की ख्याल ना रखा गया ऐसा बोल के यहाँ पर वो उसका इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर सही भी थी वहीं पर, पुलिस को बुलाया था केम ने और वो बोलता है कि हमारे बस का कुछ गायब हो गया तो प्लीज़ आप इंटरोगेट कीजिए इस पर। यहाँ पर प्रॉम बोलता था कि अगर कुछ ना मिला तो मैं तुम्हें सू करूँगा, केम बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद उसके पगड़ से ऑब्वियसली मिल जाता है और उसे इंटरोगेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ पर ये सब देखने के बाद सही समझ गई थी क्ला इस पर कुछ ज़्यादा ही रिवेंज मोड में है। हमें दिखाया जाता है क्लैरी जब कुछ ऐसे क्यूट सी हरकत कर रही होती है ना, तो इस मोमेंट पे क्ला को अभी भी सही याद आ रही होती है, तो हम समझ सकते हैं उसके दिल में आज भी सही है, लेकिन अब वो नफरत अलग है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर सही भागते अपने पापा के पास आके बोलते हैं कि आपने प्रॉम की जगह एक एम्प्लॉय को क्यों निकाल दिया काम से, उसको क्यों इसे लिखा पकड़ा बना दिया। तो हमें पता चलता है जो प्रॉम रूम में गया था ना उसके सारे ब्लेम ना एक एम्प्लॉय पे डाल दिया गया था। और यहाँ पर उसके पापा उसे उल्टा सुना देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्ला के पास आके बोलता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया और कल हम लोगों से वो लोग कंपेंसेट करेंगे। यहाँ पर क्ला बोलता है कि उन लोगों ने इससे ज़्यादा झेलना होगा, वो ना खून के आंसू रोएंगे, अब वो नहीं सोच सकते कि मैं क्या क्या प्लान कर रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। और इन लोगों का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया। हमें दिखाया जाता है घर पर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर चाहता क्या है वो और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा था। और यहाँ पर ना जो क्ला ने एक वेबसाइट बनाया था उसी के थ्रू इनके होटल बिजनेस चल रहा था, मतलब उनसे यहाँ पर प्रॉफिट भी ले रहा था। प्रॉम आके बोलता है कि मैं उस रूम में गया हूँ तो मुझे पता चल गया वो चाहता क्या है। तो बेसिकली उस रूम में एक टेलीस्कोप था और वो टेलीस्कोप से देखने के बाद वो देखता है कि एक पुराना घर वाला प्रॉपर्टी था और वो शायद वहाँ पर वो होटल खरीदना चाहता है, होटल बनवाना चाहता है। ये सुनने के बाद उसके सही के पापा बोलते कि ठीक है वो जगह खरीद लो। यहाँ पर सही की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सही जो क्ला ने अपनाया था ना उस पर अपना नाम कोई और ही नाम से रजिस्टर कर लेती है ताकि वो जान सके वो यहाँ पर होता क्या है। और यहाँ पर वो किसी और का ही फ़ोटो लगाती थी और नाम भी किसी और का ही, प्रीम मतलब सई की कजन सिस्टर। वो ना क्ला को सीरियस करने के लिए चली गई थी। एक्चुअली क्या था ना, उसने अपने भाई और सई के पापा से मिलकर प्लान किया था कि वो आखिर उस घर पे चाहता क्या है ये जानना है। और उसके बाद यहाँ पर खेम बोलता कि क्या तुम सच में उससे पटने वाले हो, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि इन लोगों के ये सब गेम प्लानिंग में अच्छे से जानता हूँ और इस टाइम पे मैं बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी बनने वाला नहीं हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है सही पे। सही यहाँ पर ना प्रे करने के लिए आई हुई थी, मतलब जो उसका बच्चा मरा और मतलब जो पुराना क्ला है ना उसकी आत्मा की शांति के लिए, और यहाँ पर ओ वही कर रही होती है। तब यहाँ पर क्ला आता है बोर्ड के थ्रू और वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पर किसी के लिए प्रे कर रही हो, तुम तो दूसरी की लाइफ इस तरह से जानू बना रही हो और खुद किसी के लिए प्रे कर रही हो, ऐसा वो बोलने लग जाता है। मतलब बेसिकली वो उसे टंट मारा था। ये सुनने के बाद सही बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरा पीछा कर रही हो। क्ला बोलता है कि यही तो मुझे तुम्हें
पूछना चाहिए ना, मैं जहाँ जाता हूँ तुम पहुँच जाती हो। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम जैसी लड़की कोई अच्छे कर्म करने वाली हो क्या? तुम तो इतनी बड़ी खराब हो, इतनी बड़ी पापी हो। यहाँ पर सही बोलती कि देखो आज तक तो मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि मैं तुम्हें मार ही डालूँ। अगर ना मेरा श्राप सही साबित होता ना, तो मैं तुम्हें ये श्राप देती कि तुम तो मर ही जाओ, बोल के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है सही को। सही क्या था ना, उसने वो ऐप ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पर कुछ मैसेज आया हुआ था, आसरा ऐप, आसरा हमारे क्ला का ऐप था, और वो ना यहाँ पर नेटवर्क शेयर करता था। यहाँ पर वो चली जाती है एक बच्चे के साथ, वो बात कर रहा होता है, तो सही को पता चलता है आज तक ना क्ला अपने बच्चे को बोल नहीं पाया, मतलब जो पैदा हुआ ही नहीं उसको भी इतना ज़्यादा बॉन्डिंग था उसके साथ। यहाँ पर दिखा जाता है सही को परेशान करने के लिए क्ला उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर थाइन। थाइन से सही पूछती कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बात की क्या? मैंने तो अपने पापा से बात की। थाइन उसे झूठ बोल देता है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स को ना सही कुछ खास पसंद नहीं थी। प्रीम यहाँ पर हमारे बंदे के पास चली जाती है, क्ला के पास, और वो वहाँ पर जाके उसके साथ चिपकने की ट्राई कर रही होती है। बेसिकली ना वो वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है सही और हमारे बंदे को, वो भी बहुत अच्छे से बात ही कर रहे थे, एज एन अच्छे कपल। यहाँ पर ये जो प्रेम है ना उसे इस लेवल तक पटा रही होती है, तभी होता क्या है ना, ये लोग बात कर रहे थे, सडनली फायर अलार्म बज जाता है, और ऑब्वियसली क्लार प्रेम तो कुछ और ही करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो इन्हें भाग के बाहर आना पड़ता है। सही देखती है क्ला आता है, शर्ट वो बाहर आके पहन लेता है, और वो शॉक हो जाती है। वो शॉक तब हो जाती है जब उसकी प्यारी सी कजिन सिस्टर उसी के साथ थी, और इनका जो सिचुएशन था कुछ अच्छा था नहीं। तो यहाँ पर ना प्रेम ये भी बोलती थी कि प्लीज़ हमें ना बाद में डिस्टर्ब मत करना, अभी डिस्टर्ब हो गए हम लोग। सही तो शॉक हो गई थी, समझ नहीं पाती कि चाहता क्या है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर प्रेम को क्ला रिजेक्ट कर देता है, मतलब यहाँ से चले जाओ बोल देता है। लेकिन प्रीम ने ना फोटो क्लिक कर लिया था, वो अपने फैमिली के चैट ग्रुप में भेज देती है। सो यहाँ पर प्रोम बोलना था कि ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो गई मेरी बहना। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर अंकल जी, मतलब सही के पापा के पास भी वो फोटो पहुँच गया था, जब यहाँ पर प्रीम और वो क्लोज थे क्ला। और यहाँ पर क्ला को दिखाया जाता है वो बाथटब में था, और हमारी बंदी बाथटब में भी हमारे क्ला के साथ साथ में नहाने की ट्राई कर रही होती है। एंड यहाँ पर सब लोग खुश थे, ये लोग सोच रहे थे कि क्ला के अगेंस्ट कुछ तो मिल गया, फाइनली क्ला ट्रैप हो जाएगा। सही ये सब देख के समझ नहीं पा रही थी, उसे तो पता है ना क्ला बदला लेना चाहता है, और क्ला को उससे ज़्यादा कौन जानता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ओरियंट थे प्रेम के लिए। हमें दिखाया जाता है प्रीम को एक कार्ड मिल गया था जो थायन के पापा का था, वो उनका फोटो भेज देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग वाला सीन, जहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट जैसा पेपर मिलता है, जहाँ पर थायन के पापा के साथ वो एग्रीमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट पेपर था। यहाँ पर सही ये पापा सही से पूछते कि तुम्हें पता था थायन और क्ला साथ में बिजनेस कर रहे हैं? सही बोलते कि नहीं मुझे तो पता नहीं था। यहाँ पर उसके पापा बोलते कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़के इतने ऑनेस्ट होते क्यों नहीं, तुम बदकिस्मत हो क्या, मतलब वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारे एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सही वो एक्चुअली थायन को मिलने के लिए आई हुई होती है, और अभी जो हमारा हीरो है ना क्लार्क हेम, वो यहीं पर रह रहे हैं, और यहाँ पर वो उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है जहाँ पर जो क्लार्क की बहन है ना, थायन के पापा उससे थायन की शादी करवाना चाहते हैं, और मतलब इतना पसंद कर रहे थे ना उसको, ये चीज़ें वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि वो लोग पागल हो रहे हैं मुझसे काम में रखने के लिए, वो चाहते हैं मैं वहाँ पर काम करूँ, पता नहीं इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, ऐसा वो बोलती है। क्या बोलता है कि देखो बस हम ना पैसों के लिए काम करने वाले बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। और वो दोनों बोल रहे थे कि ये सही की किस्मत है, कोई सच्चा प्यार कभी मिलता क्यों नहीं है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर थायन से सही मिलने के लिए आई हुई होती है, यही बात पूछने के लिए कि तुम वो प्रोजेक्ट कर रहे हो क्ला के साथ। तो यहाँ पर ना पहले तो वो बताता नहीं, लेकिन बाद में वो बता देता है। वो बोलता है कि देखो मुझे तो कोई करनी नहीं थी उसके साथ काम, लेकिन पापा कर रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम अपसेट हो जाती है, ऐसा वो बोल देता है। सही को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन एशिया,
ऐसे यहाँ पर बोलती है क्ला को कि तुम अपनी एक्स के साथ कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके भाई को जेल भेजा। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि उन लोगों के पास अभी मेरा कोई लेना देना है नहीं, जिस दिन सही के साथ मेरा रिश्ता टूटा ना उसके बाद मेरा कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो बोलती कि आई जस्ट होप तुम जो सोच रहे ना उस पर टिके रहो और पिघल मत जाना। यहाँ पर वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना उसके बाद तो उनके ऐसे मुड़ कर दिखने का सवाल भी पैदा नहीं होता। यहाँ पर एशिया बोलते हैं कि इतना याद रखो बिजनेस में ना अपने फोकस के लिए काम करना होता है, अपने फायदे के लिए, किसी और पे इस तरह से फोकस करना नहीं है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मेरी हिम्मत कहाँ है जो आपकी बातों को मैं मना कर सकूँ, देखो ऐसे है तो ये इसकी स्टेप मॉम लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इसे काफ़ी सीरियस करने की ट्राई कर रही थी हमेशा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर हेम, क्ला को बताता है कि क्या था ना क्ला के पापा की कुछ चीज़ें मैडम मतलब एशिया ने फेंकने के लिए बोल दिया था, और यही चक्कर में गेम को एक विल मिल जाता है उसके पापा का ओरिजिनल विल, जहाँ पर उसकी मॉम और क्ला के नाम पे भी इनहेरिटेंस में से कुछ उसके पापा ने सेलेक्ट किया हुआ था। लेकिन ये जो एशिया है वो नहीं चाहती थी उसे कुछ भी मिले, इसीलिए उन्होंने क्ला को यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया था ताकि बाद में सब कुछ उसे छीन सके, मतलब उसे कुछ भी ना मिले। ये सारी चीज़ें केम बताता है क्योंकि विल में यही था। तो एशिया का इतना अच्छा बनने का रीजन और अब तक यहाँ पर क्या के लिए स्टैंड करने का रीजन यही था ताकि बाद में ये आए और सब कुछ ये वापस अपने बेटे को कर दे। यहाँ पर ये बात क्लास समझ जाता है। हमें दिखाया जाता है शाम को क्ला के पापा कॉल कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारी एडॉप्टिव मॉम नहीं अपनी मॉम की तरह है, उनका अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि हाँ पापा मैं समझ चुका हूँ कौन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अब तो उनकी असलियत भी जान चुका था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन, जहाँ पर सही थाइन से मिलने के लिए गई हुई होती है। यहाँ पर ना वो केम को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है, उसके बाद अब उसे आइडिया आता है कि मुझे क्ला क्या कर रहा है वो जानना होगा, और उसके रूम में जाने का कोई तिकड़म लगाने लग जाती है। अब आपको तो याद है ना सई ने एक फेक अकाउंट बना के क्ला के ऐप में रजिस्टर कर लिया था जॉब के लिए, तो उसे कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं क्ला का था। क्ला बोलता है कि मैं कॉल के लिए कहीं जा रहा हूँ तो क्या आप मेरे रूम में आके मेरे अपार्टमेंट में आके मेरा जो साफ सफाई वो कर सकती है। वो बोलती है ठीक है। हमें दिखाया जाता है सई ऐसे छुप जाती है, क्ला और केम बात करते आ रहे थे। यहाँ पर वो ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट तो हम लोगों को पता है ना, उसी के बारे में वो बात कर रहे थे, और यहाँ पर उन लोगों ने ना अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मना कर दिया था। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि उसकी फैमिली को सेल करने से अच्छा है हम लोग उसे कन्विंस कर लेंगे, मतलब जो भी ओनर है, और वो बोलते हैं कि वो लोग ना मनी माइंडेड है मतलब सही के फैमिली, और वो लोग ना बस पैसों के बात से जानते हैं, लेकिन हम उन्हें इतना कन्विंस कर लेंगे कि किसी भी कीमत पे वो प्रोजेक्ट हम ही ले लेंगे, ऐसा वो बोल रहा था। मतलब सई के होटल के साइड वाला घर, साइड वाला जगह, यहाँ पर सई उनकी बातें सुन रही थी। हमें दिखाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट सीन जहाँ पर क्या सई के होटल के साइड वाला जो प्रॉपर्टी था ना उन ओनर से मिलने के लिए गया हुआ था। ऐसे उन लेडी ने ना सई वाले सई की फैमिली को तो बेचने के लिए मना कर दिया था उस लैंड, एक्चुअली वो लोग भी चाहते थे कि वो खरीदे क्योंकि उन्हें पता था क्या उस लैंड को खरीदने वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लेडी जो क्ला की सिंप्लिसिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, साथ में वो ये भी बोल देती है कि सामने होटल वाले भी आए हुए थे खरीदने के लिए लेकिन मैं तो उन लोगों को बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड लगे मुझे, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सई को, सई क्ला के अपार्टमेंट पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर वो लैपटॉप एक्सेस करने की ट्राई करती है लेकिन पासवर्ड गलत डालने की वजह से वे रिंगटोन जो नोटिफिकेशन है ना वो क्ला के फ़ोन पे चला जाता है। और यहाँ पर क्ला उसे कॉल करता है सई को, मतलब वो तो उसे मेयर समझ रहा है ना ऐप के जरिए, वो तो फेक आईडी बना के आई हुई थी। प्रीम प्राव उसी टाइम पे वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जब क्या पूछता है कि मेरे लैपटॉप को कोई एक्सेस कर रहा है क्या, वो बोलती कि आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है ना मैंने देखा वो काफ़ी सुंदर है। क्ला बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उसके बाद क्ला प्रीम प्राव को कॉल करके वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इस तरह से सई इस मोमेंट में पकड़े जाने से बच जाती है। हमें दिखाया जाता है क्ला को इंग्लिश से वो बात कर रहा था और वो इतनी अच्छे से बात करता ना, मतलब सिचुएशन को बहुत प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। मैं भी शायद वो इस प्रॉपर्टी को बाद में बेचने के लिए तो मान जाएंगी, पर नॉर्मली क्या होता है ना ओल्ड एज लोग अपने घर को बेचना नहीं चाहते, लेकिन इसकी बातों से काफ़ी इंप्रेस थी।
क्ला अपार्टमेंट में वापस आता है और सई भी ऐसा रिएक्ट करती है कि वो थाई से मिलने के लिए आई हुई है। क्ला बोलता है कि ऐसे तुम बार बार यहाँ पर आती रहोगी तो तुम्हारा वो डर के मारे भाग नहीं जाएगा। सही बोलती कि मुझे डर है तुम्हारे साथ मिलके, कहीं कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब साथ में काम कर रहा है ना। क्ला बोलता है कि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड ना तुम्हारा डबल है। सही बोलती है अगर कोई इंसान अच्छा लगाएगा, मतलब अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, इट डजेंट मीन कि वो अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्या है मुझे पता है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि वो तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, मेरा नहीं, मैं कुछ चीज़ ऐसे थोक देता हूँ ना तो फिर से उसे उठाता नहीं। अंदर वहाँ से चला जाता है क्ला, अंदर चला जाता है सही, गाड़ी में थी वो गुस्से में थी, तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है, मतलब आश्रय ऐप के थ्रू जो क्ला का ऐप है ना वहाँ से, और क्ला निकल गया था। उन्हें बहुत गुस्से को कंट्रोल करते हुए फ़ोन पिक करती है और बोलती है हेलो, मतलब वो साउंड चेंज करके बात कर रही होती है। क्ला बोलता है कि मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरा घर के ख्याल रखेंगी। वो बोलती है ठीक है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कुछ दिन तक यहाँ पर सही उसके घर पर आके चीज़ों का ख्याल रख के चली जाती है। ये बात ऐसिया को पता चल जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोलती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जाके देखो। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर सई के पापा सैनसेन, मतलब उनका सेक्रेटरी, और ये लोग प्लान कर रहे थे जो क्ला का ऐप है ना उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, होता है ना हर चीज़ में लूप हो, तो उसको टारगेट करके इस टाइम हम क्ला को नीचे गिराएंगे और उससे खड़ा होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। पापा सई इनकी बातें सुन रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, वो तो खुद ही कन्फ्यूज थी, अब बेचारी क्या ही बोलती। इन दिनों में दिखाया जाता है वो चीज़ हो भी जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे क्ला के ऐप का बॉयकट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एजेंट ना ये ऐप मिसगाइड कर रहा है लोगों को ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इंटर दे रहा है, मेंबरशिप लेने की ये सब बोलते हुए। यहाँ पर क्ला ये देखकर शॉक हो जाता है, वो समझ जाता है ये सब सही की फैमिली का काम है। यहाँ पर केम बोलता है कि लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या करना है क्ला? वो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरव्यू देने में, ऐसे मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी एशिया के साथ वो मिलने के चला जाता है और वो बोलती कि तुमने तो बोला था तुम अपने पर्सनल लाइफ अलग रखोगे लेकिन अभी ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे ऐप पर लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैंने गलती की थी उन लोगों को अंडरएस्टिमेट करके, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर जो एशिया है वो सही का फोटो दिखा देती है, मतलब तुम्हारी नई मेट बन के वो आ रही है। ये देखने के बाद क्ला का तो अंदर दिमाग खराब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट सीन, यहाँ पर ये लोग ये तो प्लान करते हैं कि क्ला के ऐप के थ्रू ना लोग जो मेंबर बनते हैं ना वो गलत काम भी करते हैं, गलत मतलब किस वे में आप लोग खुद ही सोचो, और ये सारी चीज़ें अगर फैलाएंगे तो क्ला के ऐप का और भी ज़्यादा बदनामी होगी, ये लोग प्लान करते हैं। यहाँ पर क्ला उसे कॉल आ रहा था कंटिन्यूसली और यहाँ पर अब सई की फैमिली को ऐसा लग रहा था कि अब तो वो गए, और यहाँ पर सई बोलती कि ये सब करके क्या हम उसे जीत पाएंगे क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानती हूँ और उस पता है वो इतने ऐसे हार मानने वाले इतने ऐसे नहीं है, लेकिन बेचारी को कौन पहचानता, कौन इसकी बातें सुनता है जो आज सुनेगा। यहाँ पर सब लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। नॉर्मली क्या होता है ना क्ला के जो ऐप है उसमें रजिस्टर करने के लिए आईडी और वेरिफिकेशन चाहिए होता है, तो उसी को ये लोग लूपहोल बना के टारगेट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत बदनामी चल रही थी क्ला के ऐप की और थाईलैंड में इस ऐप को बॉयकट करने के लिए बोला जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन जो प्रिंटा हुए वो क्ला के पास आके बोलती कि मेरा भाई कल तुम्हारे अगेंस्ट कुछ न्यूज़ निकालने वाला है, तुम रेडी रहना, तुम अगर उससे फाइट करना है तो कर सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर सही याद करती कि उसका रिंग तो क्ला के घर में रह गया अपार्टमेंट पे, तो वो भागते हुए क्ला के अपार्टमेंट की तरफ के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे थोड़ी पता था कि क्ला को ऑलरेडी पता चल चुका है जो ऐप के थ्रू आने वाली हमारी बंदी को यार नहीं सही है। और वो जब सही अंदर जाती है तो वाइट सा स्मेल देता है, ऑब्वियसली एक कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है सही के अगेंस्ट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर थाइन और सई एक दूसरे के साथ थे। यहाँ पर क्ला बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और यहाँ पर वो सई से बात करने के लिए आया हुआ था। क्ला बोलता कि मैंने ना गलत किया, तुम लोगों को ना अंडरएस्टिमेट करके मैं ही गलत था। यहाँ पर सही बोलती है कि तुम्हारा जो असली चेहरा है सबके सामने आ गया तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, अब इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है, यही तो हो ना तुम,
यहाँ पर क्ला बोलता है कि इस तरह से ना पीछे से वार करना बंद करो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की जो दूसरों को मतलब के लिए यूज करती हो ना, वो कभी किसी के हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर वो बोलता है कि गलत तो मैं ही था जो मैंने ना सब कुछ इस तरह से बिगाड़ दिया। सही ना, बहुत गुस्से में थी। और यहाँ पर ना वो तो अब वही समझते हैं ना क्ला अभी जो रिवेंज मोड में आया है वही वाला। यहाँ पर क्ला बोलता है कि ये ना ऐसी है, पता है इतनी घटिया घटिया बातें करती है और सोचती भी ऐसी है। थाइन के सामने बोल रहा था, थाइन बोलता है कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पर वो उसके सामने जाता है और सही को बोलता है कि पता है एक दिन ना तुम्हारा ये ना तुम्हें भी हर्ट करेगी, और कोई अगर तुम्हारा कोई प्यार करने वाला तुम्हें हर्ट करेगा ना तो कैसा फील होगा और तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसा बोल देता है। एन हमारा बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है थाइन। वो पूछता है कि तुम दोनों में हुआ क्या, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। मतलब उसे तो पता नहीं ना कि दोनों का कुछ पास्ट है। और एक सही के घर वालों ने ना थाइन को बताने से मना किया था, तो यहाँ पर वो बोलती कि वो मेरे पापा ने इसको एक्सपोज किया ना, इसी वजह से ये बदला ले रहा है मुझसे। और यहाँ पर अब थाइन बेचारा सही के पैर में पागल, वो उसकी बातें मान जाता है। हमें दिखाया जाता है सही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे क्ला भी बहुत गुस्से में था और इधर उधर चीज़ें फोड़ रहा होता है। तभी उस साई का जो प्रोफाइल है ना, जो प्रोफाइल से उसने एस ऐप पे लॉग इन किया था, वो देख लेता है। एंड देन वो वैसे स्मेल देता है सही। वो याद करे थी किस तरह से क्ला ने बोला था कि तुम ये तुम्हें भी हर्ट करेगी, इसे लोगों की फीलिंग के साथ खेलना आता है, ऐसा चीज़ याद कर रही थी। तभी यहाँ पर सही के फोन पे मैसेज आता है और क्या बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या अब मेरे घर पे आके कुछ चीज़ें ख्याल रख सकती है। वो अब बना तो कर नहीं सकती थी, तो वो हाँ बोल देती है। एंड ऑब्वियसली एक ला का प्लान था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब इंटरव्यू वाला दिन। यहाँ पर ना सही के पापा मिनिस्टर थे और यहाँ पर क्या उसका ना फेस टू फेस था। यहाँ पर मीडिया पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या ऐप बंद करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए तो आप कोई बड़े हस्ती को लेना चाहिए, तो यहाँ पर इस थॉट के लिए सही के पापा को सिलेक्ट किया गया था। सही के पापा पहले तो बहुत रेप्यूटेड बातें करते हैं और यहाँ पर सही अपने फ़ोन पे देख रहे थे कहीं जा रही थी सही। और यहाँ पर वो बोलती कि मुझे लगता है अगर सोसाइटी को इतना इफेक्ट करा है, लोग गलत चीज़ें करें इसके ऐप के थ्रू, तो इसे बंद होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलता है कि जिस एक ऐप है, इस ऐप में एक लेडी है, एक वॉलंटियर है जो मेरे घर पे काम करती है, उनको अगर मैं यहाँ तक ले आ पाया तो अगर मैं अपने पॉइंट को सही साबित कर पाया कि ये ऐप मैंने सच में लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया, तो आप मान जाएंगे। और उसके बाद वो उस गाड़ी आता है जहाँ पर क्लाइंट ने बोला था कि उस वॉलंटियर लेडी आएंगी। एंड ऑब्वियसली वो लेडी कोई और नहीं, हमारी सही थी, क्योंकि सही ने अकाउंट बनाया था उस लेडी के नाम से। और यहाँ पर खेम को देखने के बाद वो समझ जाती है ये सब ट्रैप था। तो बेसिकली क्या है ना, सही के पापा का प्लान था क्ला को बदनाम करने के, लेकिन क्ला ने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया। और वो बोलता है कि अरे वहाँ पर कोई आया है सर, अरे देखने से तो लग रहा है आपकी बेटी है। अब देखो मेरा तो काम है ऐप बनाना, लेकिन आपकी बेटी इतनी अमीर है, उसका कुछ शौक होगा ना, उसने मजे के लिए ऐप बना दिया, ऐसा वो बोल देता है। और पूरी मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है सही के पापा की। और उसके बाद यहाँ पर सही के पापा सही पे गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि अरे तुमने बताया नहीं तुम मेरे घर पे ऐसे आ गई थी, और शायद इसे ये ना मुझे मिस कर रही होगी इसलिए आ गई थी ससुर जी, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर वो बोलते कि तुम चाहते क्या हो। तब यहाँ पर वो बोलता है कि जो तुम लोगों ने किया ना उसके आगे तो ये तो कुछ भी नहीं, मैं बस ये प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमिलेशन क्या फील होती है सबके सामने ना, मैं ये तो शुक्र मनाऊँ कि मैंने एक्सपोज नहीं किया तुम लोगों को, बस मैं ना ये फील करवाना चाहता था कि मीडिया के सामने बेइज्जती होना क्या होती है, तो वो मैंने करवा दिया। सही के पापा बहुत गुस्से करते हैं, बोलते कि मैं तुम्हें ना कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर क्या बोलता है कि ससुर जी आपने तो पहले भी बहुत कुछ किया हुआ है ना, मुझे तो ऐसे रास्ते का कुत्ता समझते थे, तो आप झेलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेरा भी फर्ज बनता है एक अच्छा दामाद बनते, भले ही वो एक्स दामाद, तो ऐसा वो बोल देता है क्या सर। सीरियसली दोनों में बहुत अच्छी बातें हो रही थी। यहाँ पर उसके पापा के जाने की बात सही क्ला को बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो।
क्या बोलता है कि क्योंकि ना बस तुमसे मजा ले बदला लेने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के साथ भी बदला ले रहा हूँ। वो बोलती कि जो करना है मेरे साथ करो ना, मेरे पापा क्यों बीच में घसीट रहे हो। यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे जेल भेजा था और लगता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे पापा को छोड़ूंगा, और मैं हमेशा सोचता था जेल पे कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है। तो अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोचो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। और यहाँ पर सही बोलते हैं कि जो भी करना है मेरे साथ करो, बोलता कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पापा के साथ भी इक्वली होगा रिवेंज गेम जितना तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि बस मेरे साथ बदलाने में कोई मजा नहीं, मैं तो सबके साथ बदला लूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ को जानू बना दिया है, ऐसा वो बोल देता है। सही बोलते कि मैं वहाँ पर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे जानना था असलियत क्या है, और यहाँ पर मैंने ये तो पता लगा लिया ना कि वो कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं बूटीक होटल खोलना चाहता है, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद सब लोग कंफ्यूज थे क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये थी कि उस जो लैंड ओनर थी ना वो सई के फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, एक बार जो ऑफ़र किया था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और क्ला जो उनसे काफ़ी करीब दिख रहा था मतलब उसने तो ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया, तो बहुत हाई चांस था कि जो सई के होटल के साइड वाला लैंड था ना वो क्ला को मिल सकती है। तो ये लोग अब सोचते कि क्या कर सकते हम जो क्ला को हरा दे। तो यहाँ पर सैमसन बोलते हैं कि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट रिस्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कोई पुराना प्रोजेक्ट जो अटका हुआ हो और वहाँ पर हम फिर से लैंड कब्जा करने भी तो काम कर सकते हैं ना, ऐसा वो आइडिया दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सही रूम में थी और वो याद कर रही थी जो क्ला ने बोला था कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ इतना कुछ किया और बस तुम्हारे साथ बदला लेने में काहे का मजा, तो मैं तुम्हारे पापा के साथ भी बदला लूँगा क्योंकि तुम्हारे पापा की वजह से तो मैं जल गया था ना, ऐसा वो उसने बोला था। वही सारी चीज़ें याद करके सही बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। अब बिजरी को थोड़ी पता है लास्ट 7 साल पहले क्या क्या हुआ था, किस बात की बस ये उससे इतना ज़्यादा नाराज है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर लिसा को बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर का अवार्ड मिला हुआ था। यहाँ पर वो बहुत गुस्से में थी, क्यों, क्योंकि ये जो अवार्ड मिला था ना वो सर के पापा ने उसे दिलवाया था, मतलब अवार्ड खरीद के, और यहाँ पर ना बार बार उसे ये चीज़ याद दिलाया जाता था कि उसने 7 साल पहले क्या किया था, मतलब अपने करियर के बदले में उसने लास्ट टाइम भी दोस्त को धोखा दिया था और अभी भी वही कंटिन्यू करो, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। यहाँ पर लिखा बहुत गुस्से में थी, वो जाके जो बुके था वो डस्टबिन में फेंक देती है। सही उसके पीछे पीछे जाकर बोली थी कि क्या हुआ लीता, इतना ज़्यादा ओवरिया क्यों कर रही हो। यहाँ पर ना लीता असलियत बताने वाली थी लेकिन वहाँ पर वो एशिया को देखती है थोड़ा दूर, तो वो बोलती है तुम्हारे पापा अभी ना तुमसे नाराज है इसीलिए ना बदला ले रहे तुमसे मुझसे, ऐसा वो बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह से अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी उसकी लाइफ में तो क्या हो रहा है, उसे खुद ही नहीं पता, सब लोग उसे इतना कन्फ्यूज करते हैं। हमें दिखाया जाता है एशिया, वो यहाँ पर सई के पास आती है और वो बोलती कि मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, और आज जो अवार्ड मिला है ना उसे वो कोई उसकी मेहनत की वजह से मिला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे नाराज है तो उसी चक्कर में उन्होंने तुम्हारे दोस्त को दे दिया, और मुझे ना तुम जैसी लड़कियों की बहुत कदर है जो टैलेंटेड हो और बहुत अच्छी हो, तो अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सैलरी पे करूँगी, यू आर रियली वेलकम। और कभी भी ना लाइफ में हिम्मत करना कि कोई लड़के के सामने ना पॉपेट बनते रहो, मतलब तुम्हारे पापा तुम्हारे इतने अच्छे ख्याल नहीं रखते, वो तो हमेशा तुम्हें कोई खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं ना, लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, तो तुम मेरे पास आके काम कर सकती हो, ऐसा बोल के वो चली जाती है। सही फिर से सोच रही थी ये आज हो क्या रहा है, सब लोग मुझे सुना के क्यों जा रहे और इतनी कन्फ्यूजिंग बातें कर रहे थे सब लोग। हमारा सीन शिफ्ट होता है क्ला और केम पर। केम उससे बोल रहा था कि उन लोगों ने गैलरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को फिर से रीओपन कर लिया और वो लैंड को वो कब्जा करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे। क्ला बोलता है कि मैं इतने आसानी से उन लोगों से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर क्लैरी भी थी, तब यहाँ पर ना क्लैरी बोलते कि मैं ना तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहती हूँ। वो बोलता है कि तुम ओके हो, मतलब तुम्हारी मम ओके होंगी ना। वो बोलती कि मेरी मम बहुत प्यार करती है मुझसे और उन्हें मेरी कोई भी रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर क्ला उसे अपने घर पे ले आता है, मतलब एशिया के घर पे, और यहाँ पर एशिया क्लारी को देखने के बाद आप लोगों को याद है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बेसिकली उन्हें ना पसंद नहीं, क्ला के आसपास कोई लड़कियाँ मन रहा है, यही आप लोग समझ जाओ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी।
यहाँ पर वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसे बोलते कि फाइनली हम मिल ही गए क्लैरी, और वो उसकी मतलब खूबसूरत हो ऐसा ऐसा बोल रही थी, लेकिन मन में वो ना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी क्लैरी को। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आज एशिया ने सई को भी बुलाया था, और यहाँ पर सबसे पहले तो क्लैरी की मॉम आती है। क्लैरी की मॉम इन लोगों के साथ डिनर करने लग जाती है। यहाँ पर जिस लेडी का लैंड ये लोग खरीदने वाले थे ना, उनको भी यहाँ पर बुलाया हुआ था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। ये बात आप लोग नोट कर लो कि जो एशिया है वो क्लैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ पर सई के आने की बात चलती है, मतलब कोई आपका गेस्ट आए ऐसा एशिया की मेड बोलती है, तो यहाँ पर वो बोलती कि आज मेरा स्पेशल गेस्ट है। और यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैं उसे लेके आता हूँ। बाहर आने के बाद देखता है कि वो तो सही है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सही बोलती है कि मैं तुम्हारे एडॉप्टिव मॉम से मिलने के लिए आई हुई हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा इस घर के अंदर जाने में। तो उसी टाइम पर ऐसे आके बोलती कि मैंने इसे बुलाया और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे गेस्ट से इतना रूडली बिहेव करने का। एंड देन सई को बोलते कि डार्लिंग लेट्स गो, और उसके बाद वो अंदर ले जाती है। यहाँ पर सई आके सबको हेलो बोलती है, मतलब नमस्ते वाला हेलो उनका होता है ना स्वादी का। एंड यहाँ पर जो क्लैरी की मॉम थी सई को देखने के बाद तो उनकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या था, ये थी सई की मॉम, मतलब अभी क्लैरी की मॉम में पहले आप लोग समझ जाओ वो तो देख ही नहीं पा रही होती है। एंड देन यहाँ पर जब सई उन्हें हेलो बोलती है ना उन्हें उनके सामने आके ऐसे, तो वो तो शॉक हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लैरी अपनी मम की गुनगान करना स्टार्ट करती है, मतलब ये लड़की बहुत प्रीटी है नो डाउट। और यहाँ पर सई ने वो सब सुन के ना उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, या यहाँ पर सई की मम से भी मम की आंखों से भी आंसू आ जा रहे थे। और यहाँ पर ना वो बोलती कि पता है मैं जब अमेरिका में थी तो मेरी मम सारे थाई फूड्स मेरे लिए बनाती थी। सई बोलते ही पता है मेरे पास तो मम है ही नहीं, जब भी मैं बीमार पड़ती थी या कुछ भी हो तो मैंने कभी घर का खाना तो कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है, मेरे लिए तो वो सब किसी सपने की तरह था, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर सही बहुत इमोशनल हो रही थी, ऑब्वियसली उसकी मम्मी इमोशनल हो रही थी। इनका क्या है आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल बन रहा था सही के लिए। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर एशिया के पास। क्ला जाके बोलता है कि आपने जानबूझ के किया है ना, सही और उसकी मॉम के एक साथ लाने का प्लान आपका था ना, तो हमें पता चलता है उसे पता है ये सही की मॉम है। तो वो बोलती कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम उसे बदला लेना चाहते हो, उसे हर्ट करना चाहते थे, तो ये अच्छा मौका है ना, उसे जब देखेगा कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ के उसके पास एक और बेटी है तो कैसा लगेगा, सोचो तुम्हारा बदला तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना। यहाँ पर क्ला बोलता कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये सब करने का मैं आपको अलाउ भी नहीं करूँगा। और यहाँ पर ऐसा बोलते कि तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ है क्या, अपने अंदर के नफरत को जगाओ, ये सब क्या बोल रहे हो। इंडियन दिखाया जाता है सही, उसे ना ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, मिस्टेकली उसके हाथ कट जाता है, तो वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद सही बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तभी उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती कि कैसी हो बेटा, हनी कह के बुलाती है। सही बोलती है कि कैसी हूँ आपको बस अब याद आ रहा है, अरे मुझे तो ना इतना खुशी मिल रहा है ना कि आप जिंदा हो, सबने बोला था आप मर चुकी है, डैड ने तो वही बोला था, और आज देखती हूँ आपके पास से एक और फैमिली है, आपकी बेटी है, पता है कितना बुरा लग रहा है, और मुझे आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करना पड़ रहा है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे पापा कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम और मैं मिले, और क्लैरी मेरी असली बेटी नहीं है, वो मेरे पति की पहली बेटी है, मतलब पहली वाइफ की बेटी है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि आपने तो अपनी बेटी को छोड़ के किसी और की बेटी को बड़ा किया हुआ, कितनी किस्मत वाली हो ना मैं, मुझे तो खुश होना चाहिए, ऐसा वो बोलने लग जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कुछ समझाने की ट्राई कर रही थी, यहाँ पर सही बोलती कि इट्स ओके, मुझे तो आपको मैम के ही बुलाना पड़ेगा ना। देखो गाइस इस मोमेंट पे बाहर से ना क्ला इनकी बातें सुन रहा होता है, उसे सही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और यहाँ पर सही बोल रही थी कि मुझे तो आपको मैम बुलाना पड़ेगा ना, इट्स ओके मैं मैम बुलाऊंगी, और आपने ऐसा कंटिन्यू करो कि आप मुझे पहचानते ही नहीं हो, मैं मुझे आदत है, इट्स ओके बोलती है और वो रोते हुए बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो वहाँ पर क्ला को देखती है, क्ला उसे कुछ बोले उससे पहले वहाँ से चली जाती है। एंड या सही की मम भी बाहर निकलती है वॉशरूम से, तो वो भी
भी वहाँ पर क्ला को देख लेती है। एंड देन क्ला सई के पीछे पीछे चला गया था। सई बहुत ज़्यादा हॉट थी और वो उसके जो सैंडल थे ना वो गिर रहे थे, तो वो उसको हाथ पे पकड़ लेती है। क्ला आके उसे कुछ बोलने वाला था, सई उसके तरफ मुड़ती है। सई बोलते है कि ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, लोग सडनली मेरी लाइफ से गायब हो जाते और फिर से वापस आ जाते हैं। तुम मुझे हॉट करना चाहते हो ना, मुझे पता है तुमने आज ये सब किया मुझे हॉट करने के लिए। इट्स ओके, मैं हॉट हो गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब यहाँ पर वो वहाँ से जाने लगती है। तब फिर यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम हर चीज़ के लिए दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकती। वो तुम्हारे पापा है जो हर लोगों को, सारे लोगों को तुम्हारी लाइफ से आउट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम वो सब डिजर्व नहीं करती और इसी चक्कर में तुम अकेली पड़ गए, ऐसा बोल देता है। और यहाँ पर ना सही बोलती कि पता है तुम वो इंसान थे जो कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते थे। वो क्ला कहाँ गया, आई जस्ट होप मुझे वो क्ला वापस मिले नहीं। लेकिन नहीं, तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मेरे साथ इतना कुछ कर सकती हो ना, ठीक है। और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम ना फिर से लाइफ में कभी तुम्हें प्यार मिले ही ना, क्योंकि ना तुम एजेंट मदर तुम ही बहुत अनसक्सेसफुल थी। मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तो मतलब उसका बच्चा गया ना, वही बातें कर रहा था। वो सही बोलती कि तुम्हें क्या बोले, तो वो बोलता है कि एजेंट मदर तुम बहुत ख़राब थी और अभी देखो तुम्हारे साथ वही हो रहा है, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को तुम्हारी लाइफ से दूर कर रहे हैं और मैं भी आउट हो गया, और उसके बाद तुम अब इतनी अकेली पड़ गए, तुम्हारी पापा की आंखों में तुम्हारी कोई कदर है नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो तुम्हें कभी प्रेज नहीं करते, और अभी तुम इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई हो ना, सबके नज़रों में ना तुम कोई हो ही नहीं हो, मतलब कोई अहमियत रखती नहीं हो, ऐसा वो बोल देता है। सही क्या बोलती, बेचारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब मूड में थी, तो वो वहाँ से जाने लगती है। क्ला उसके सैंडल लेके उसके पीछे पीछे आ रहा था। सही बहुत ज़्यादा रो रही थी, बारिश होने की वजह से यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब थी। सही एक टैक्सी में बैठ कर चली जाती है, क्ला उसे मिल नहीं पाता। हमें दिखा जाता है सही सीधा सीधा अपने घर में जाती है। ये बोला गया था कि उसकी मॉम की मौत होने की वजह से जो होता है ना ऐसे से एक बॉक्स में, तो वो बॉक्स लेके उसके पापा के कमरे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्ला को, क्ला भी जाता है इसे के पास, वो सैंडल उनके सामने फेंकता है, बोलते कि आपने ये सब क्यों किया। तो वो बोलते कि अच्छा है ना, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारा तो बदला बुरा होगा ना, अब वो जाएगी, अपने बाप ने अब तक इतने सालों से उसे झूठ बोला, उसके लिए वो बाप से लड़ाई करेगी, मतलब मिस्टर सिंह से, सोचो कितना अच्छा होगा, बाप बेटी में इतना डरा रहेगा। तो बोलते कि ये सब करना ज़रूरी था, मैंने बोला था। तो बोलते कि हाँ तुम्हें बदला ले रहा है, तुम भूल गए क्या, तुम बार बार इतने सॉफ्ट क्यों बन जाते हो, तुम भूलो मत बाप बेटी ने क्या गया, वो दोनों ये चीज़ अब करते हैं, ऐसा बोलने लग जाती है। यहाँ पर सही अपने पापा के पास जाके बोलते कि आज मैंने मॉम को देखा, मुझे एक्सप्लेन करेंगे सच क्या है, आपने मुझसे बोला था कि मॉम की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैंने आज मॉम को देखा, वो भी जिंदा। उसके बाद सही जो बॉक्स था वो फोड़ देती है, तो उसमें तो कोई एसेस थे ही नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्ला को ना सही की मॉम वहाँ पर आती है क्ला के पास, तो एक ही साथ में दो तरफ सच्चाई बताई जा रही थी। तो अब आप लोगों को मैं ओवरऑल बताती हूँ, जो सही की मॉम थी वो ना कुछ सालों पहले, मतलब जब सही छोटी थी ना उस टाइम पे उन्होंने न्यूड फोटो शूट करवाया था, जिस बात की वजह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। वो जानिए ना, अब एक तो इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ और शायद वो फैशन डिजाइनर थी, और इसी चक्कर में बहुत बदनामी हो गई थी। तो यहाँ पर इसी चक्कर में ना उन्होंने स्लीपिंग पिल बहुत ज़्यादा खा लिया था, और उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के आसपास ऐसी औरत का साया भी मंडराती रहे, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन दिया था तुम मेरी बेटी की लाइफ से दूर चले जाओ, डिवोर्स दे दो। और उसके बाद इसी और यहाँ पर ये भी सवाल था कि कभी भी सही के पास वापस मत आना, वो कुछ भी कहानी बता देंगे सही को। मतलब इसी चक्कर में उन्होंने बोल दिया था कि हाँ तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। तो दोनों की तरफ, मतलब सही और क्ला दोनों की ये बातें पता चलती है। सही इतना गुस्सा करती है, बोलती है कि आप ऐसा ही करते हैं ना, जो इंसान आपके लाइफ में हिम्मत नहीं रखता उसको आउट कर देती है, अपने क्ला के साथ भी ये किया था ना, आपने क्यों भेजा था उसको जेल, पर चाहिए ना मुझे। सही के पापा बोलते कि फिर से तुम्हें उसने भटकाया, वो बोलते कि नहीं मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो भटकने के लिए, लेकिन मैं आपका फितरत जान चुकी हूँ ना, तो आप उसे अपनी लाइफ से आउट करते, तो मुझे जानना है ऐसा कौन सा बच्चे था जिसकी वजह से आपने क्ला को भी मेरे लाइफ से आउट किया, और अब तो मैं भी आपके कोई काम नहीं आ रहे, इसीलिए आप लिसा को मेरे लाइफ में, मेरे जगह पे अपने लाइफ में ले आ रहे हैं ना, उसे हर चांस दे रहे। तो वो बोलते कि लिसा तुम्हारी कॉम्पिटिटर है, ये बात याद रखना, वो कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं थी। ये सुनने के बाद
हम बोलते कि एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं फिर से, और बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर क्लोए आके क्ला को एक सर्टिफिकेट देती है, वो था सही और क्ला का मैरिज सर्टिफिकेट। इट मीन्स ये लोग अभी भी शादीशुदा है, मतलब ये लोग ऑफिशियली अलग हुए नहीं थे। यहाँ पर वो बोलते कि भाई इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैं तो जानना चाहता हूँ सही इस पर क्या रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर, ऑब्वियसली ये क्ला ही था जो नया काम होने वाला था ना, सही के फैमिली का, सही के पापा का जो कब्जा करने का प्लान लैंड पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे सही के पापा के अगेंस्ट। सही क्ला को बोलती कि ये सब तुमने किया है ना, वो बोलता है कि ऑब्वियसली मैंने किया है। और यहाँ पर सही को ना ओ मैंने सर्टिफिकेट दिखाता है, सही दिखती है और शॉक हो जाती है। वो बोलते कि ये अभी भी क्या कर रहा है, चलो डिवोर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि नहीं 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 ऐसे कैसे, ऐसे भी तुम दूसरी शादी करने वाली हो ना, मुझे पता है, तो उसके लिए ना तुम्हें मुझे होटल्स के शेयर देने होंगे, वरना ना बस पड़ी रहो, तुम्हारा दूल्हा तुम्हें वेट करता रहेगा, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर ना सही की मम देख लेती है ये सब, और यहाँ पर वो क्ला से पूछती है कि क्या बात है। वो जो भी है वो बता देते हैं, हमारा कुछ पास था लेकिन अभी है नहीं। इस टाइम पर उसकी मम बोलती कि पता है मुझे लगता था कि मैं सही के पापा को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, और मैं बहुत नफरत था मन में, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, तुम्हारा भी बदल जाएगा एक दिन, ऐसा वो बोल देती है। सही अपने लॉयर से जाके बात करती है, तो यहाँ पर पता चलता है अगर हस्बैंड वाइफ 3 साल तक, मतलब 3 साल से फिजिकली करीब नहीं हुए तो उस कंडीशन में डिवोर्स हो सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर लीता को सही के पापा बुलाए हुए थे, और यहाँ पर जो न्यूज लीक हुआ था ना लैंड कब्जा वाला, वो उसके लिए सब लोग ना लीता को शायद ब्लेम करने वाले थे। लीता बोलती कि हाँ मैंने किया है, मतलब वो बहुत एटीट्यूड में बोलती है, वो थक चुकी थी बार बार इनकी बातें सुनते हुए, इनकी हर बात मानते हुए, तो वो बोलती कि आपको लगता है मैंने किया है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब सही के पापा को उस पर डाउट तो था लेकिन अब कन्फर्म कर नहीं पाते, और यहाँ पर लीता का एटीट्यूड तो नेक्स्ट लेवल था, और वो बोलती कि देखो इससे ज़्यादा कुछ बकवास करोगे तो मैं तो सही को भी बता दूंगी, 7 साल पहले आपने लेटर बदली थी, और मैं क्ला को भी बता दूंगी, तो मेरे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू होंगे। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लीताई थी जो ये न्यूज़ बाहर कर गई थी, हमें यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, यहाँ पर सही प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी तायन के साथ, और यहाँ पर क्लैरी की मॉम भी आई हुई थी, और यहाँ पर जो क्ला था बार बार सही को नीचा दिखा रहा होता है। यहाँ पर वो क्लैरी को इतना चेयरअप कर रहा था, दोनों फाइट कर रहे थे, तो लाइक वो आज सही को तो बोल बोल के ही मार डालेगा, तो सही को बहुत गुस्सा आता है, वो जाती है और हमारे क्ला को 2-4 मुक्के तो आराम से दे देती है, नाक से खून ही आ गया था बंदे का, सीरियसली ही डिजर्व इट। और उसके बाद वो उसके मुँह पर पानी भी पूरा एक गिलास पानी फेंक देती है। यहाँ पर ये देखने के बाद ना सब लोग पैनिक हो जाते हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। सही बोलते कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हर बकवास सुनूंगी। यहाँ पर वो बोलते कि तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजवाया है सच्ची में या फिर ऐसे ही। नेक्स्ट सीन जहाँ पर यहाँ ये लोग कोकोनट फार्म में आए हुए थे, और देखो बाय द रूल ऑफ पता नहीं क्या, लेकिन लड़के की प्रॉब्लम चाहे वो एक्स हो या फिर प्रेजेंट, देखो छोड़ तो दिया एक्स सही को, लेकिन उस वो अभी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, कोई और लड़का उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है, कौन बर्दाश्त कर सकता है। एज यूजल यहाँ पर जो था इन सही का ख्याल रख रहा था ना, उससे बहुत जलन हो रही थी हमारे बंदे को, और वो बार बार ऐसा ही दिखा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है सही की मॉम, वो बोलती है सही को कि मुझे लगता है तुम दोनों का अलग होना ही सही है, और दूसरी बात बेटा तुम मेरी बेटी हो तो मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि तुम हमेशा ना दूसरों के ऊपर अपने डिसीजन के लिए वेट मत करो, तुम्हारा भी खुद का डिसीजन होता है, और तुम हमेशा अपने पापा की पॉकेट बन के मत रहो, तुम लाइफ में मूव ऑन करो, क्योंकि मैंने मुझे पता है तुम्हारे पापा कैसे, जब मैं तुम्हारे पापा के साथ थी ना मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ऐसा बोल देती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है सही को लग रहा था थाने, तो वो उसके कपड़े लेकर वॉशरूम के बाहर तक गई थी, लेकिन अंदर क्ला घिस लेता है। यहाँ पर सही बोले थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। यहाँ पर क्ला उसे बोलता कि सुबह तुमने जो किया उसका तो बदला लेना पड़ेगा ना, तो वो एक
बकेट पानी उसके सर से गिरा देता है और बोलता है कि अब हम बराबर हो गए। ऐसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी सुबह बॉक्सिंग मैच पे। और उसके बाद सही बोलती कि तुम जैसे पागल इंसान के लिए तो ये भी कम है। तभी यहाँ पर सही को क्लार्क के साइड पे बॉडी पे होता है ना किडनी के साइड पे एक कॉर्ड दिखता है, वो बोलती कि ये क्या है। तो यहाँ पर क्लार्क बोलता है कि ये तुम्हारा जो तुमने मुझे दर्द दिया है ना उसका एक जस्ट पोर्शन है। तो आपको तो पता है ना जो एशिया का बेटा है ना उसको क्लार्क ने एक किडनी दिया हुआ था और यहाँ पर वही चीज़ें वो याद कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली सही को तो अब तक पता नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर सही जैसे तैसे वहाँ से स्केप करके जाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्लार्क तो उसने ऑलमोस्ट फंसा ही दिया था और वो भीगी हुई थी। यहाँ पर जब थाइन पूछता है कि तुम भीगे क्यों आई हो तो वो बहाना करती कि मैं ऐसे ही नहा के आई हूँ बाहर से और थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पर जो थाइन है उससे अच्छे से उसके टॉवल से उसके सर पोछ रहा होता है लेकिन थोड़ा दूर से हमारा जेलस बंदा देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सीरियसली उसे बर्दाश्त नहीं होता सही का कोई और ख्याल रखे, सही के पास कोई और हो। ऐसे खुद भी बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत परेशान करता है सही को। लेकिन ये तो मेनली का फितरत है। हमें दिखाया जाता है शाम मतलब नाश्ता के टाइम। यहाँ पर बहुत फनी इंसिडेंट होता है सही ना, मतलब अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, उसने इनर कपड़े कुछ पहने रही थी और यहाँ पर ना क्लार्क का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। यहाँ पर जो फार्मर थे जिसके घर पर उन लोग रह रहे थे वो पूछते कि कैसा है आपको अच्छा लगा, तो क्लार्क बोलता कि हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसा बोलता है। सही बोलती कि बेवकूफ़ी बट। तो यहाँ पर वो बोलते कि मैं तो खाना की बात कर रहा था और व्यू का बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो बोलते कि साइको। उसके बाद यहाँ पर वो बोलते कि तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे, इतने गंदे गंदे ख्याल माइंड पे मत लाओ, मैं तो इधर उधर की बातें कर रहा था, तुमने थोड़ी बोला था ऐसा, वो बोल देता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी क्लैरी है उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से ना वो जैसे घबराने लग जाती है, तो जो सही है ना वो उसे कोकोनट का मिल्क पिला देती है और इस टाइम पे जो क्लैरी है वो उसे हेल्प करता है। तो ये लोग याद करते हैं अपना पास किस तरह से जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे ऐसे ही कोकोनट मिल्क पिला के उसे ठीक किया था और कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स इन दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, वो सारी चीज़ें दोनों याद करने लग जाते हैं। दो यहाँ पर सब लोग पूछते हैं कि तुम दोनों को कैसे पता मिले कोकोनट मिल्क से स्पाइसीनेस गायब हो जाती है, तो दोनों बोलते कि नहीं ऐसे ही गेस किया था, ऐसे बोल देती है सही भी। और यहाँ पर क्लार्क भी सेम चीज़ बोलता है। सही और थान कह जा रहे होते हैं, लेता उस सही को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा डिवोर्स का क्या हुआ, सेटल हो गया क्या। वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है उसके सामने इतनी अच्छे से सब कुछ सेटल हो जाएगा। यहाँ पर लीला बोलती है कि तुम्हें थान से बच के रहना है, थान को बताना चले। वो बोलती कि हाँ मैं टॉन्टोरी, अगर वो मेरे साथ गेम खेल रहा है यानी कि खिला, तो मैं भी उसके साथ गेम खेल के उसे ट्रिक करके ही रिवर्स कर दूंगी, ऐसा वो बोल देती है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर सही उन लेडी से मिलने के लिए आई हुई थी, मतलब वही लेडी उसके होटल के साइड पर जिसका प्लॉट है ना अभी कार क्ला और उसके घर वाले जिस प्लॉट पर चाहती उसी लेडी के यहाँ आई हुई थी। वो बूटी होटल वाला जो प्लान है ना वो खेम से चुरा के सही लेके आई हुई थी और यहाँ पर वो लेडी को ना काल कुछ ज़्यादा ही पसंद था, वो तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर सही जान के क्या करती है ना उस फाइल को वहाँ पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। एन दिन हमें दिखाया जाता है उन लेडी को वो फाइल मिल जाता है और सच्चे पता चल जाता है कि काल अब तक यहाँ पर इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसे वो लैंड चाहिए था और पटाने की ट्राई कर रहा था। तो काल के पास आके ओलेडी और चोर दोनों ही आ जाते हैं, बहुत गुस्से में थे। और यहाँ पर ओलेडी बोलते कि ठीक है बेटा तुम्हें ये चाहिए तो मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे मरने के बाद बस मेरी बेटी चोर को कुछ पैसे दे देना, ऐसा वो बोलने लग जाती है। और मतलब उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था लेकिन वो बोलती कि मुझे पता है तुम ना इस लैंड को बहुत अच्छे से रखोगे। क्लार्क बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे ये लैंड नहीं चाहिए, मैं सच्ची में जेन्युइनली आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा था। लेकिन यहाँ पर वो बोलते कि प्लीज़ बेटा इतना कर देना कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ न होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर खेम और काल को दिखाया जाता है, क्लार्क को बार बार काल बोल रही क्योंकि लीव के बाद उसका नाम काल है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर खेम बोलता है कि वो बॉक्सिंग के टाइम के बाद यहाँ पर सही आई हुई थी उसके पास और शायद उसने मिस्टेकली
वो जानबूझ के उस फाइल को लेके उस लेडी को दे दिया होगा, उन ओल्ड लेडी को ऐसा बोल देता है। ये सुनने के बाद काल का गुस्सा तो सात पे आसपास में पहुंच गया। यहाँ पर वो इस बदले में अब क्या प्लान करते हैं ना, डिवोर्स एग्रीमेंट, डिवोर्स का जो प्लान है ना उसको जल्दी से जल्दी निपटाना है और जितने जल्दी हो सके शेयर मांगना है डिवोर्स के बदले में बढ़ना। तो अब आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पर जो थाइन और सही है उन दोनों की शादी होने वाली थी कुछ टाइम बाद। जो मैरिज सर्टिफिकेट किम और क्ला के हाथों से गिर जाता है वो प्रेम उठा के घर पे ले आती है और सई के पापा तो गुस्से के मारे पागल हो रहे थे और यहाँ पर उनको पता था ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं थी। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर थाइन एक्चुअली सई का हाथ मांगने के लिए आया हुआ था। और आप लोगों को तो पता ही है थाईलैंड में एक कल्चर है कि जिस मतलब अगर एक लड़की शादी करेगी तो उससे दावरी मिलेगी उसकी फैमिली को। तो उसी बात में थाइन पूछ रहा था तो यहाँ पर अंकल जी बोलते कि 20 मिलियन ये तो कुछ ज़्यादा ही था। और अंकल इतने लालची तो लगते नहीं थे, सही भी कुछ बहुत शौक हो जाती है। और थाइन भी बोलते कि अंकल आर यू श्योर, तो बोलते कि हाँ अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो इतना तो देना पड़ेगा। अरे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते थे। और यहाँ पर सही थाइन को बोलते कि कोई बात नहीं, मैं पापा से बात करूँगी। और यहाँ पर थाइन बोलते कि हाँ मुझे लगता है उनका मूड थोड़ा ख़राब है, बाद में मैं हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर थाइन ने भी बोला था कि मैं ना अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आया तो इसीलिए अंकल थोड़ा अपसेट भी होंगे। अब पेरेंट्स आते भी कैसे, उसके पेरेंट्स को तो सही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड हमें दिखाया जाता है सही अपने पापा के पास जाकर बोलते कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी अब तक क्लास रिपोर्ट हुई नहीं है। वो बोलते कि आपको कैसे पता चला इस बात के बारे में। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, जाओ और तुमने जो ये कुछ लिए बगैर डिवोर्स करने का जो प्लान बनाया है ना उसको कैंसिल करो और उससे पैसे हटो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है उसकी वजह से, तो ऐसे उसे फ्रीली छोड़ नहीं सकते। सही बोलती कि आप चाहते हैं कि मैं पैसों के लिए उसके पास फिर से वापस आऊँ, उस इंसान से तो मैं एक सेकेंड भी साथ रह नहीं सकती, और आप चाहते मैं उसकी लाइफ में वापस चले जाऊँ वो भी पैसों के लिए। सही के पापा बोलते हैं हाँ तुम जाओ, क्योंकि इससे खाली हाथों में नहीं, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम्हें उससे ना जितना ज़्यादा उसे भी उतना पैसे ऐड के उसके बाद शादी करनी है, थाइन से ऐसा बोल रहे थे। और यहाँ पर वो ये भी बोलती थी कि अगर थाइन को पता चलेगा या फिर उसके फैमिली को पता चलेगा तुम्हारे पास के बारे में, और ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे अब तक डिवोर्स हुई नहीं तो सोचो क्या होगा, तुम तो थाइन को सीधा सीधा धोखा दे रहे हो, ऐसा बोल देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्ला के पास एक एग्रीमेंट लेके आता है, ये नया एग्रीमेंट था जहाँ पर सई ने बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगा था डिवोर्स के बदले में। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मुझे पता था ये ऐसी है, पहले ड्रामा कर रही थी और आप भी आगे अपनी असली हैसियत पे। एंड देन यहाँ पर खेम को वो कॉल करने के लिए बोलता है सई को यहाँ गैरेज पे बुलाने के लिए। ये गैरेज फिर से रिनोवेट हुआ था, वो पुराना वाला ही गैरेज था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सई को बुलाता है खेम और बोलता है कि मेरा बस आपसे तुमसे मिलना चाहते हैं, आ जाओ। एंड देन सही आती है शाम को, उस गैरेज को देखती है और बोलती है कि ये मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहा है। सही अंदर जाती है, क्ला सोफे में बैठा हुआ होता है और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोलते कि ठीक है, लेकिन तुम पहले तो कुछ पैसे मांग नहीं रहे थे, प्राइड बहुत आत्मनिर्भर बन रही थी, और अभी तो इतने ज़्यादा मांग रहे, तुम्हारा असली जरूरत यही है ना। सही बोलती कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे डैड ने भेजा था। तो वो बोलती कि तुम उससे शादी करने के लिए यानी कि थाइन से शादी करने के लिए इतना कुछ करने को रेडी हो। सही बोलती कि हाँ। यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुछ भी करोगे। सही बोलती कि हाँ, एटलीस्ट तुमसे तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब जब तुमसे करती थी ना प्यार उससे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता है। तो यहाँ पर वो बोलता कि हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें दिवस दे दूँगा, लेकिन तुम्हें आज रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। वो बोलती कि पागल हो गए हो। यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम्हारे लिए वो इतना मायने रखता है कि तुम अपने प्राइड को भी भेज दोगी। वो बोलती कि ये प्राइड की बात है ही नहीं, बात यह है कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ यहाँ पर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि घटिया तो तुम भी थी ना, तुमने अपने बच्चे को मारा था। वो बोलता है कि क्या, मेरा बच्चे को मारा था मैंने, तो वो मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो वो बोलता है नहीं, जब मैं जेल गया था ना, पहले तो तुमने मुझे जेल जाने पर मजबूर किया और उसके बाद एबॉर्शन का नाम, मिसकैरेज का नाम लेके मेरे बच्चे को मार दिया, ऐसा वो बोलता है। बोलते कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और उसके बाद वो बोलते कि और तुम मुझसे छुटकारा भी पाना चाहती थी जब मैं कोमा पे था, जब मुझे पता चला शायद मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरी वाइफ ने मुझे बिट्री किया है, तो मैं तो
बच्चे से मरते मरते बचाओ, तो तुम तो ऑलरेडी सही वो पुरानी वाली सही बनने के लिए रेडी थी और आ गई अपनी हैसियत पे। तुमने तो मेरा इस्तेमाल किया है ना, मैं इतना ख़राब हूँ तुम्हारी नज़र में, वो बोलता है सही बोलती है सब, तुम क्या बोल रहे हो और कौन से लेटर, मैंने कोई लेटर नहीं मैं भेजे थे और ना ही मैंने डिवोर्स के लिए बोला था। तो उसके बाद क्ला उसे घसीटते हुए ले जाता है, मतलब हाथ से पकड़ते हुए, और बोलता है कि ये देखो लेटर जहाँ पर तुमने साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं और तुम्हें जब मेरे साथ रहती थी ना तुम्हें बहुत बुरा फील होता था और मेरे गरीब होने से तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता था। तो बोलती कि ये सब मेरे लेटर है ही नहीं। तो क्ला बोलता है कि हाँ तुम तो यही बोलोगे ना, ये भी तुम्हारे पापा के है, मुझे पता है तुम तो वही बोलोगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसी औरतें जो हम जैसे लड़कों को ना खिलौने की तरह इस्तेमाल करना जानती हो, ऐसा बोलता है। बेचारी सही को पता ही नहीं, तो अब वो क्या बोलेगी, वो तो कंफ्यूज हो जाती है। वो बोल रही थी मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्ला थोड़ी मानने वाला था। क्ला एक भी बोलता है कि तुम मुझे छुटकारा पाना चाहती थी, तुम्हें शर्मिंदगी होती थी मेरे साथ रहने में और इसीलिए तो जब मैं कोमा में चला गया तो तुम उसके बाकी फर्दर पेमेंट करने वाले डॉक्यूमेंट साइन करने से तुमने मना कर दिया और मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, और तुम तो तरस रही होगी ना अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाने के लिए, इसीलिए तुम मुझे ऐसे छोड़ दिया था। इसीलिए ना मैं सारे लेटर रखता हूँ अपने पास ताकि मुझे याद आए तुमने मेरे साथ क्या किया है, और मैं हमेशा तुम्हारे धोखे को याद करता रहूँ और मुझे याद रहे कि तुमसे कितनी नफरत करनी है। सही बोलती कि सर तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे तो तुम भी तो जंगल में गए थे, तुमने प्रॉमिस किया था तुम कुछ भी नहीं करोगे ऐसे इलीगल काम। लेकिन यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे फंसाया था, मैं केम को बचाने गया था और वहाँ पर तुम्हारे पापा के ट्रैप में फंस गया, मैं एक बेकऑफ शुरू ऐसा वो बोल देता है। सही बोलती कि अब मुझे इसके बारे में बकवास कोई भी सुननी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी बोलो, ऐसा बोलती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती और मेरे बारे में सोचती ना तो तुम ये मान ही नहीं सकती थी कि मैं मर गया हूँ। 7 साल तक शायद तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया होगा, तुम तो ये मान ही चुकी होगी ना कि मैं मर चुका हूँ। सही बोलती है कि 7 साल में एक दिन भी नहीं हुआ है जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। ये सुनने के बाद हमारा सख्त लंडा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर से वो अपने जोन में आते बोलता है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। ये सुनने के बाद क्ला बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम मुझे जब जिंदा देख रही थी ना तो तुम्हारी आंखों में मैंने कभी खुशी देखी नहीं है। और उसके बाद वो उसे ऐसे देखता है और वो बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि तुमने मुझे कभी प्यार किया नहीं था, हमारे बीच में कभी कुछ था ही नहीं, तुम मेरे लिए कुछ फील करती नहीं थी सिवाय उस रात के, ऐसे बोल के उसे अपने पास खींचता है। यहाँ पर सही उसे बोल रही थी कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, मतलब उसने बोला कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन वह बोलती कि थाइन को हर्ट नहीं कर सकती। तो बोलती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों ही एडल्ट थे, इट्स नॉट अ बिग डील, और उसकी बहुत करीब आता है। यहाँ पर सही बोलती कि तुम मुझे नफरत करती हो और नफरत करने के बाद तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना तो इतना तो करना पड़ेगा। एंड देन तभी इनका अच्छा मूवमेंट चल ही रहा होता है तो क्लैरी का कॉल आता है और उसके बाद वो उसे एक किक मारती, बोलती कि मुझे पता चल गया तुम मुझे डिवोर्स देने वाले तो नहीं हो, यहाँ पर मुझे बस परेशान करने के लिए बुलाए हो, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।